हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलेगी या नहीं, चुनाव आयोग आज करेगा फैसला। बीजेपी ने ईसीआई को पत्र लिखकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। वहीं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी पत्र लिखकर तारीख बदलने की मांग की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। आज प्रदेश हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, टिकट के दावेदारों पर होगा मंथन। अजय माकन स्क्रीनिंग के चेयरमैन हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय होने के बाद सीईसी की मीटिंग होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। कंगना रनौत को बीजेपी से झटका, पार्टी ने उनके किसान आंदोलन वाले बयान से किया किनारा। पार्टी ने उनके बयान पर असहमति भी जताई। पाटियाला कमान ने मंडी सांसद कंगना रनौत को हिदायत दी है कि वो भविष्य में किसी तरह का बयान न दें। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर बीजेपी पर साधा निशाना, किसानों से किए वादे को पूरा करने में नाकाम, मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। उधर कंगना के बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो पूरे हरियाणा में बयान के विरोध में प्रदर्शन करेगी। कंगना के बयान पर राकेश टिकैत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। मायावती ने बुलाई बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बैठक में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीएसपी प्रमुख यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को रणनीति पर मंथन करेंगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में उन्होंने एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। बीएसपी की इस बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी आक्रामक नजर आए, कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के सुर में सुर मिलाते देखे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। रहीम रसखान, यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का वार, एक्स पर लिखा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं होता है। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार है तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तेज हुआ एक्शन, नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज। टास्क फोर्स में विभिन्न डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल होंगे। दिल्ली शराब नीति केस में आज सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत, आज राव जबनी कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज ही विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज आबकारी नीति केस में आज कविता की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ करेगी सुनवाई।
आज ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 77 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का है मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट पहले फैसले पर लगा चुका है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट। पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। टिकट न मिलने से बड़े नेता नाराज। पहली लिस्ट वापस होने के बाद भी नहीं थम रहा गुस्सा। नेता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पार्टी जल्दी दूसरी सूची जारी करेगी। सोमवार को सुबह बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हालांकि कुछ समय बाद ही इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। इस लिस्ट के जारी होते ही जम्मू बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए। चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं के समर्थक टिकट की मांग को लेकर जम्मू कार्यालय पहुंचे, हंगामा भी किया। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी की ओर से सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी पूरी मजबूती से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने एक प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नीलम लांगे का टिकट कटा है। नीलम ने न्यूज रिपोर्ट से बातचीत करते हुए कहा कि अन्याय जरूर हुआ, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो अगली सूची आएगी उस सूची में नाम होगा। ने मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास जताया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट में चुनाव लड़ा। रामगढ़ में काफ़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सीट हमने जीती और कुछ बड़ा 5-6 साल हमें काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने टाइम हमें मौका मिला तो हमने पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेके एक अच्छा समन्वय बना के हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। बीजेपी ने जारी की जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इस लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी जैसे नाम भी इस लिस्ट में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता। 32 सीटों पर कांग्रेस, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव। नब्बे में से 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। एक एक सीट सहयोगी दलों जेके, एनपीपी और सीपीआईएम को दी गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो यहां लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनाए ही इसलिए था कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 18 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सशक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने का बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही पीडीपी के एजेंडे को स्वीकार करें तो हम साथ आ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसे किसी भी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेगी जिसका कोई एजेंडा ना हो और सिर्फ सीट शेयरिंग के कारण ही बातचीत हो रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा कि आपके और हमारे एजेंडे में कोई अंतर नहीं है तो आपको अपने उम्मीदवार हटाकर हमारा समर्थन करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के घोषणा पत्र पर तंज कसा, कहा कि हमारे घोषणा पत्र की नकल की गई। महबूबा मुफ्ती को अपने उम्मीदवारों का नाम वापस ले लेना चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन तय। आज दिल्ली में होगा औपचारिक ऐलान। जेजेपी इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की हुई दूसरी बैठक। बैठक में मुंबई की 36 सीटों को लेकर हुई चर्चा। आज नवन्न रैली को लेकर राज्य सरकार से तक सुरक्षा में 2000 से अधिक जवान तैनात। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में बंगाल छात्र समाज के बैनर तले बुलाई रैली। शुभेंदु अधिकारी ने किया समर्थन।
बदलापुर कांड मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को आज तक रिपोर्ट देने का दिया था निर्देश। झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल हो गई है। पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। 30 अगस्त को रांची में थामेंगे कमल का दाम। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। दोनों नेताओं ने फोन कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दरमियान दोनों ने दुनिया के अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की खबर खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताई। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। पीएम मोदी ने फोन कॉल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बांग्लादेश की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। साथ ही विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। देश भर में मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। कान्हा के जन्मोत्सव पर भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। मथुरा में इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बिरला मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिर में बाहर देखी भक्तों की भारी भीड़। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भोपाल के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पहुंचे और यहां विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। लद्दाख में डांसकर द्रा शाम नुब्रा और चागथांग नाम के 5 जिले बनाए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह बोले, लोगों के लिए हर संभव अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने 40 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग से 75 लोगों को टिकट देने की बात कही। तेजस्वी यादव पर पीके ने बोला हमला। कहा कि अगर तेजस्वी यादव जाति रंगदारी शराब माफिया अपराध पर बोलते हैं तो चर्चा हो सकती है, लेकिन विकास मॉडल पर चर्चा करेंगे ये हास्यास्पद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 6 महीने पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब बिहार उनके लिए स्विट्जरलैंड था और 6 महीने बाद बिहार गठन बन गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेगी वित्तीय मदद, युवाओं को 10,000 की नौकरी के खाते नहीं छोड़ना होगा बिहार। एनआरआई के घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनआरआई के पूर्व ससुर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पारिवारिक दुश्मनी के चलते एनआरआई परिवार पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक अमेरिका से हमले की सुपारी दी गई। पुलिस ने शूटर्स को रुकवाने वाले होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। जिले में बढ़ते आतंक को देखकर विधायक ने उठाई बंदूक। कहा कि अगर सामने दिखाई दिया तो गोली मार दूंगा। बीजेपी से विधायक हैं सुरेश्वर सिंह। हमको चुना है, अगर हमारे सामने उन पर हमला, हमारे सामने अगर किसी बच्चे को या किसी हमारे नागरिक को, जो हमारे मतदाता हैं 4 लाख मतदाताओं ने जिन्होंने हमको चुना है, अगर हमारे सामने उन पर हमला होता है तो हम गार्ड का इंतजार थोड़े करेंगे। हम आत्मरक्षा के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो जो हमारे हाथ में असलहा है, जो सरकार द्वारा दिया गया है, शासन द्वारा दिया गया है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आत्मरक्षा में प्रयोग करने के हमको मौलिक अधिकार है।